सौगात ग्वालियर को देने वाले आदरणीय श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी, आदरणीय मेरे मंत्रिमंडल की सदस्य श्रीमती यशोधरा राजे जी, भाई गोविंद सिंह जी, प्रद्युम्न जी, तुलसी जी, अरविंद भदौरिया जी, महेंद्र सिंह जी, भारत सिंह जी, ओपीएस भदौरिया जी, विजेंद्र जी, सुरेश जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश के अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त शर्मा जी, विवेक नारायण सहजवलकर जी, हमारे लोकप्रिय सांसद, सभी मंचासीन वरिष्ठ नेता, साथी पदाधिकारीगण, मेरे बहनों भाइयों, भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम, आप सबको नमस्कार। आज अमित भाई आए, आज एक बात याद रखना, आज का दिन मध्य प्रदेश के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा, ग्वालियर और चंबल के इतिहास में भी स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। और दो कारण है, एक आज अमित भाई ने भोपाल की पवित्र धरती पर मेडिकल की पढ़ाई अब हिंदी में भी होगी, और हिंदी में होगी तो सुनो ग्वालियर चंबल वालों, गरीब परिवारों के बच्चे, निम्न मध्यम वर्गी किसानों के बेटे बेटी, जो अंग्रेजी के कारण प्रतिभा तो होती थी, आगे नहीं बढ़ पाते थे, उनकी जिंदगी में नया सवेरा आएगा। ओ धन्नू कल्ला पन्नू मन्ना ललन, तेरे बेटा बेटी भी डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आदेश दिया कि मेडिकल की और इंजीनियरिंग की शिक्षा भी मातृभाषा में होगी, और हमें गर्व है कि मध्य प्रदेश ने उनके आशीर्वाद से, अमित जी के आशीर्वाद से सबसे पहले इसको लागू कर दिया। इसलिए आज का दिन ऐतिहासिक दिन है, और दूसरे आज ग्वालियर को अनेकों सौगातें मिल रही है, आपके चेहरों को उल्लास है, दिल में जोश है, डबल इंजन की सरकार कई सौगातें दे रही है, डबल इंजन की सरकार में ग्वालियर में दो इंजन और लगे हैं, एक इंजन नरेंद्र सिंह तोमर जी और एक ऊर्जावान इंजन ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, सौगातों पे सौगातें आ रही है। अच्छा, आज एक बात आपसे पूछ रहा हूं, अगर कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में होती तो क्या ग्वालियर को इतनी सौगातें मिलती? अरे जोर से बताओ, मिलती क्या? सिंधिया जी गिना रहे थे अभी, जब वो थे जो चले गए, उनने उनसे कहा ग्वालियर का विकास ठप हो गया था, आज जल जीवन मिशन की नल जल योजना है 4,300 करोड़ की, गरीबों को प्रधानमंत्री आवास प्रधानमंत्री जी दे रहे, लेकिन उनसे कमलनाथ जी 2019 में प्रधानमंत्री जी ने जल जीवन मिशन स्वीकृत किया, तुमने एक नए पैसे का काम नहीं किया, मध्य प्रदेश के साथ अन्याय किया, उन्हें एक पानी की योजना नहीं बनाई पीने के पानी की। उन्होंने, मैं गरीब बहनों को कहना चाहता हूं, ग्वालियर चंबल संभाग वालों, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने, केंद्र सरकार ने गरीबों के लिए घर दिए, लेकिन कमलनाथ जी तुमने तो वो घर भी चुरा लिए, वापस लौटा दिए, क्योंकि 40% पैसा इनको देना था, ग्वालियर का विकास ठप हो गया। और जब सिंधिया जी ने कहा कि ग्वालियर के विकास को पैसे दीजिए, तो कहने लगे निपट लेंगे, तो इनने निपटा दिया सिंधिया जी ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और इसलिए आज चौतरफा सौगातें ग्वालियर को मिल रही है, 10,000 करोड़ रुपए की लागत से अटल एक्सप्रेस वे बन रहा है, चारों तरफ ग्वालियर के शानदार सड़कें बन रही है, उनका जिक्र नहीं करूंगा, सिंधिया जी ने अभी किया है, ग्वालियर और भिंड भी 4 लेन हो रहा है, एलिवेटेड रोड बन रहे हैं। और ग्वालियर वालों, मुरैना वालों, अब केवल तिघरा नहीं, चंबल का पानी पीने को ग्वालियर और मुरैना को दिया जाएगा, उसकी योजनाएं भी बन गई है, चाहे एलिवेटेड रोड हो, चाहे 1,000 बिस्तर का अस्पताल हो, और चाहे ग्वालियर झांसी हाईवे का उन्नयन हो, ग्वालियर में सबसे पहले देश का ड्रोन मेला सिंधिया जी ने लगाया, यहाँ नरेंद्र सिंह जी बैठे हुए, राजमाता विजयाराजे सिंधिया,
कृषि विश्वविद्यालय बना, मानसिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय बना, 7 नई तहसीलों का गठन हुआ, ड्राइविंग लाइसेंस फिटनेस ट्रेनिंग सेंटर का निर्माण हुआ, नैरो गेज श्योपुर तक जाने वाली अब ब्रॉड गेज के रूप में परिवर्तित हो रही है, ISBT बस स्टैंड बन रहा है, आधुनिक मशीनों से सुसज्जित नवीन स्टोन पार्क बन रहा है, और कितनी सौगातें, अभी अभी तो प्रधानमंत्री आए थे, चीते की सौगात दे के श्योपुर वालों को गए थे, मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट था, अब चीता स्टेट भी हो गया, और आज नया अत्याधुनिक एयरपोर्ट ग्वालियर का भूमि पूजन करने माननीय अमित शाह जी पधारे हैं। ग्वालियर का, चंबल संभाग का चौतरफा विकास हो रहा है, और आज मुख्यमंत्री के नाते ग्वालियर वालों, मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ, विकास की दौड़ में अपना ग्वालियर चंबल संभाग इंदौर और भोपाल को पीछे छोड़ेगा, ये विकास अब रुक नहीं सकता। और इसलिए आज ग्वालियर वालों को बधाई। मेरे प्रिय मित्रों, इसके साथ साथ मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, यहाँ किसान बैठे होंगे, दो बात कहना चाहता हूँ। एक तो किसान भाइयों, ग्वालियर और चंबल पूरे संभाग में अभी हमने 5,407 करोड़ की नई सिंचाई योजनाएं स्वीकृत की है। ग्वालियर के मेहनती किसान, पानी अगर मिल जाए तो पंजाब और हरियाणा को मात करके दिखा देंगे, वो रोज मेहनत करते हैं। और एक बात और, पिछले दिनों असमय वृष्टि के कारण कुछ जगह फसल खराब हुई है, मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ, चिंता मत करना किसान भाइयों, जिनकी फसल को नुकसान हुआ है, सर्वे करके राहत की राशि दी जाएगी, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अभी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र सिंह जी आप बैठे हैं, किसानों के खाते में फिर पैसा डालने वाले हैं, और गरीब बहनों और भाइयों, आज मैं प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के सभी गरीब बहनों और भाइयों को आश्वस्त करना चाहता हूं, आज प्रधानमंत्री आवास के कुछ मकान अमित भाई के हाथों मिलेंगे, गृह प्रवेश होगा, लेकिन प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, उसको मध्य प्रदेश पूरा करेगा कि आने वाले 2 साल में कोई गरीब कच्चे मकान में नहीं रहेगा, सबको पक्के मकान बनाने के लिए पैसा दिया जाएगा, कोई गरीब शेष नहीं रहेगा। उसके लिए निरंतर तेज गति से हम काम कर रहे हैं। पीने का पानी का मैंने उल्लेख किया है, अकेले ग्वालियर चंबल संभाग के लिए 4,300 करोड़ रुपए की योजना, उससे तेज गति से हम काम करेंगे। गरीब को राशन हो, चाहे पीने का पानी हो, चाहे उज्ज्वला रसोई गैस योजना हो, और चाहे एक योजना और, मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना, जिन गरीबों के पास अपना रहने का मकान नहीं है, बड़े परिवार हो गए, रहने की जगह नहीं बची है, उन सब गरीबों को पट्टे देके जमीन का, रहने की जमीन का मालिक बनाएगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और पढ़ाई के बारे में मैंने कहा है, मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी हिंदी में होगी, और अगर गरीब निम्न मध्यम वर्गीय की बेटा बेटी मेधावी है, और पैसा अगर गरीबी के कारण नहीं है, तो उसकी फीस भी उसके मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, कौन भरवाएगा? अरे कौन भरवाएगा? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाएगी, ये गरीबों की जिंदगी आसान करने वाली सरकार, ये किसानों की जिंदगी में नया प्रकाश लाने वाली सरकार है, और विकास की चौतरफा सौगातें देने वाली सरकार है, और आज कई सौगातें देने श्रीमान अमित भाई पधारे। मेरी बहनों से अंतिम बात ये कह के, सेल्फ हेल्प ग्रुप का काम तेजी से चल रहा है, हमारी कोशिश है हर बहन की आमदनी कम से कम 10,000 रुपया महीना हो जाए, उसके लिए हम तेजी से काम कर रहे हैं। आज इन सौगातों के लिए ग्वालियर वालों, चंबल वालों, आपको बधाइयां, आपको शुभकामनाएं, और मेरा पूरा विश्वास है, सारा देश जिन पर विश्वास करता है, एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है। अमित भाई भी उसके शिल्पकार हैं,
मैं केवल इतना विश्वास दिलाता हूं कि उन सारी योजनाओं को आदर्श तरीके से जमीन पे हम उतारेंगे और आजादी के अमृत काल में आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाएंगे। आप सबसे केवल इतने ही निवेदन है कि उसके लिए हमारी तरफ जो ड्यूटी और काम है वो भी पूरी ताकत झोंक के अपने मध्य प्रदेश के निर्माण के लिए कर सकें, ताकि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में हम सहयोग दे सकें। बोलिए सब तैयार हैं? अरे अपनी ड्यूटी पूरी करने के लिए सब तैयार हैं? तो अमित भाई को विश्वास दिलाइए कि प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े, आपके पीछे खड़े, दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के और भारत माता की जय बोल के आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का संकल्प लीजिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।